बच्चों, इसके पहले वाले भाग में हम बात कर रहे थे जो त्रिपक्षीय संघर्ष है राष्ट्रकूटों में, पालों में, और जो गुर्जर प्रतिहार शासक हैं उनके मध्य कन्नौज क्षेत्र को लेकर हुआ था। वहीं उसमें हमने देखा था कि जो चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय हैं उनका मोहम्मद गोरी के साथ में दो युद्ध होते हैं, तराइन का पहला और दूसरा युद्ध। वहीं बच्चों, इस भाग में हम बात करेंगे चोल साम्राज्य के बारे में, अर्थात चोलों की जो मंदिर स्थापित कला और मूर्ति स्थापित कला है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो देखें, कावेरी नदी के डेल्टा वाले भाग में मोहरियार नामक एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की क्या थी, सत्ता थी। अब जो बात कर रहे हैं, ये मानचित्र में हम देखेंगे कि ये जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी का ये वाला क्षेत्र है, इसमें ये कौन सा राज्य स्थापित हो रहा है, चोल राजवंश यहाँ पर स्थापित हो रहा है। तो चोल राजवंश का क्षेत्र की बात करें तो क्या है, दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य चोल राज्य है। इसमें कावेरी नदी के डेल्टा में क्या है, मोहरियार नामक एक प्रसिद्ध जो मुखिया परिवार है उसकी यहाँ पे सत्ता थी। ये कांचीपुरम के जो पल्लव राजा हैं उनके क्या थे, मातहत थे। मातहत का अर्थ बच्चों ये क्या थे, कांचीपुरम के जो राजा हैं उनके क्या थे, सामंत थे। उरेयूर, अब देखें बच्चों एक जगह है उरेयूर, वो है जो चोल साम्राज्य है उसके दक्षिण वाले भाग में उरेयूर नामक जगह, इस स्थान की बात करें तो उरेयूर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय में 9वीं सदी के मध्य मुटरियारों को हराकर इस डेल्टा क्षेत्र पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अर्थात इस क्षेत्र पर क्या कर रहे हैं, अब धीरे धीरे ये कब्जा कर रहे हैं जो तटीय क्षेत्र है। उनके द्वारा तंजावूर शहर और निशुंभ शूदिनी देवी का मंदिर बनवाया गया। तंजावूर नामक जो प्रसिद्ध शहर है इसकी स्थापना और इसका निर्माण कार्य इनके द्वारा किया जाता है, और निशुंभ शूदिनी नामक जो देवी है उनका मंदिर भी इनके द्वारा बनाया जाता है। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी क्षेत्रों को जीता, जिससे धीरे धीरे ये राज्य क्या हुआ, क्षेत्रबल और शक्ति दोनों ही रूप से क्या धीरे धीरे विस्तारित होता गया। अब देखें बच्चों, ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, चोल जो शासक हैं वो आसपास के जो छोटे क्षेत्र हैं उन पर आक्रमण करके धीरे धीरे अपने राज्य का क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। चोलों का सबसे प्रसिद्ध शासक है बच्चों राजराज प्रथम, ये सबसे शक्तिशाली चोल शासक हैं जो 985 ईस्वी में क्या बने, शासक बने। चोलों की सबसे शक्तिशाली शासकों की बात करें तो उनका नाम आता है बच्चों राजराज प्रथम। इन्हीं के समय में सर्वाधिक इनका क्या हुआ, चोल साम्राज्य का विस्तार होता है, और साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन भी इन्हीं के समय में किया जाता है। इनके पुत्र का नाम है बच्चों राजेंद्र प्रथम, अर्थात जो राजराज प्रथम है इनके पुत्र का नाम है बच्चों राजेंद्र प्रथम, जो आगे जाकर क्या बन जाते हैं, ये भी शासक बन जाते हैं। इन्हीं के पद चिन्हों पर ये चल रहे हैं, राजराज प्रथम के राजेंद्र जो प्रथम इनके पुत्र हैं वो गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी जो एशियाई क्षेत्र हैं उन पर भी जो राजेंद्र प्रथम है इन्होंने क्या किया, कब्जा किया, हमले किए। इस दौरान उसके द्वारा एक जल सेना का भी गठन किया जाता है, अर्थात जो राजेंद्र प्रथम है, जो राजराज प्रथम के पुत्र हैं इनके द्वारा जल सेना का भी यहाँ पे गठन किया जाता है आसपास के क्षेत्रों को जीतने के लिए। अब देखें बच्चों, बात करेंगे चोलों की जो मंदिर स्थापित कला और कांस्य मूर्ति कला है उनके बारे में। यहाँ पे एक धातु है कांसा, इस कांसा नामक धातु से क्या बनाई जा रही है, विशेष प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जा रही है जो उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती, और इनके मंदिरों का ये विशेष प्रकार है, ये भी इस क्षेत्र के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए अपने आप में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तंजावूर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े बड़े जो मंदिर हैं वो स्थापत्य और मूर्ति कला के क्या हैं, अद्वितीय उदाहरण है, अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार के उदाहरण नहीं देखे जा सकते। ये मंदिर अपने आसपास बसने वाली बस्तियों के प्रमुख केंद्र बन गए, और साथ ही साथ ये क्या है, शिल्प उत्पादन के केंद्र भी बन गए। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उत्पादक क्रियाओं को इन मंदिरों के साथ में जोड़कर देखा जा सकता है। शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से ये क्या हो गए, मंदिर अत्यधिक संपन्न हो गए। इन मंदिरों को अत्यधिक शासकों के द्वारा और बड़े बड़े जो भूस्वामी होते थे उनके द्वारा क्या दिया जाता था, इनको दान दिया जाता था। इस भूमि की उपज मंदिर के आसपास रहने वाले जो विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी। इनमें मुख्य थे बच्चों मंदिर में कार्य करने वाले लोग, जिनमें देखते हैं कि जो पुरोहित हैं, मालाकार है, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। अब जो मंदिर से कमाई होती थी इनका यहाँ पर इनके द्वारा क्या किया जाता था, इन पर खर्च किया जाता था। अर्थात ये मंदिर क्या है बच्चों, पूजा आराधना के साथ साथ में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी क्या थे, अंग थे। यहाँ पे देखते हैं कि सामान्य मंदिरों में क्या होती है,
केवल देवी देवताओं की पूजा आराधना ही होती है। वहीं जो चोलों के जो मंदिर स्थापित है उसमें देखें कि मंदिर पूजा आराधना के साथ साथ में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कौन? ये जो चोलों के मंदिर हैं वो, ये आप देख रहे हैं बच्चों, गंगईकोंड चोलपुरम का ये विशाल मंदिर है जो इसमें दिखाया गया है। अब देखेंगे जो चोलों की कांस्य प्रतिमाएं हैं वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। चोलों की ये प्रतिमाएं विश्व की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में अपना स्थान रखती है। अर्थात ये जो कांस्य प्रतिमाएं हैं वे क्या हैं बच्चों, विशेष रूप से चोलों के द्वारा बनाई जाती थी और वहाँ के क्षेत्र की ही ये क्या है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है। मंदिरों के साथ जुड़े जो मुख्य शिल्पों में प्रमुख स्थान था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का कार्य। अर्थात जो मंदिर उत्पादन की जो क्रिया करता था या शिल्प के जो कार्य करता था उसमें सबसे प्रमुख कार्य होता था कांस्य की प्रतिमाएं बनाने का कार्य। अब ये कांस्य की प्रतिमाएं अधिकांशतः तो देवी देवताओं की बनाई जाती थी लेकिन इसमें भक्तों की प्रतिमाएं भी बनाई जाती थी। अर्थात इन कांस्य प्रतिमाओं में देवी देवताओं के साथ साथ में भक्तों की प्रतिमाओं को भी शामिल किया गया है। बच्चों इस भाग में हम यहीं तक बात करेंगे और इसके अगले भाग में मैं आपसे बात करूंगा जो चोल साम्राज्य है इनकी कृषि और जो सिंचाई व्यवस्था है उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।